नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RBSC विद HSM में। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा RET रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि लेट फीस के साथ बढ़ा दी गई है और इसी के साथ में एग्जाम तिथि तथा आवेदन पत्र में करेक्शन के संदर्भ में भी डेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। न्यूज एंड सर्कुलर्स नोटिफिकेशन थर्ड RET 2021 16 फरवरी 2021 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारे सामने PDF फाइल डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। इन कंटिन्यूएशन टू आवर नोटिफिकेशन नंबर 687 डेटेड 23 जनवरी 2021 एडमिशन इन रिसर्च प्रोग्राम फॉर PhD डिग्री RET 2021 एग्जाम शेड्यूल ऑन 7th March 2021। The last date for submission of online application RET 2021 is extended up to 17th February 2021 with late fees of 200 rupees. In addition to regular fee, an error correction can be made from 18th February 2021 to 19th February 2021 for only those who submitted their online form successfully till last date of submission. तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है 7 मार्च 2021 को RET 2021 का एग्जाम लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 200 रुपये अतिरिक्त के साथ हम 17 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जिन विद्यार्थियों के आवेदन पत्र में त्रुटि रही है वे विद्यार्थी त्रुटि सुधार कर सकते हैं 18 फरवरी 2021 से 19 फरवरी 2021 तक। त्रुटि सुधार करने का मौका केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली रूप से जमा करा दिया गया अर्थात फीस या ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है, उन्हीं विद्यार्थियों को करेक्शन का मौका दिया जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 17 फरवरी 2021 तक हम ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और करेक्शन डेट यहाँ 18 फरवरी 2021 से 19 फरवरी 2021 तक निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए हमें रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट RET 2021 का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा जहां पर हमें CPhD एंट्रेंस नोटिफिकेशन रीड एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी PhD फील ऑनलाइन फॉर्म 2021 दिए गए लिंक पर हम क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के संदर्भ में हमने पूर्व में वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है, अतः आवेदन करने से पहले उस वीडियो का अवलोकन अवश्य करें। पे ऑनलाइन यूजिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग प्रिंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म एंड पेमेंट रिसिप्ट। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी के संदर्भ में हम जानकारी ले सकते हैं, फीस के संदर्भ में भी हम जानकारी यहां से ले सकेंगे। PhD एंट्रेंस नोटिफिकेशन हम यहां से डाउनलोड करेंगे। यहां पर जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, इसके अलावा एलिजिबिलिटी
फॉर एडमिशन टू पीएचडी डिग्री, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसका अवलोकन कर सकेंगे। फीस के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओबीसी क्रीमी लेयर एमबीसी क्रीमी लेयर, यहाँ 200 रुपये, इसमें 1200 यानी 1200 रुपये प्लस 200 रुपये एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिए जाएंगे। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ 600 रुपये, इसमें 200 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाएंगे। इसी तरह से पीएच कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर 200 रुपये हम एक्स्ट्रा 17 तारीख तक जो एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे उसमें अतिरिक्त जोड़ दिए जाएंगे। इस तरह से फी स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं तो इसके संदर्भ में भी यहाँ जानकारी दी गई है। इसके नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हमने पूर्व के वीडियो में की है, अतः आप पूर्व का वीडियो अवश्य अवलोकन करें जहां पर हमने सीटों की संख्या के संदर्भ में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रकार के प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के व्हाट्सएप ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE with HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।